भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नक्सल अभियान की समीक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा पहुंचे नारायणपुर। निजी स्कूल संचालक ने समय पर फीस नहीं देने से बच्चों को किया परीक्षा से वंचित। सब्जी व्यापारी की संजय मार्केट से हुई बाइक चोरी। मनरेगा से भर रही 18 किलोमीटर लंबी फील्ड चैनल, कोसा टेढ़ा का पानी पहुंचेगा सीधे खेतों तक। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के द्वारा आज जिला मुख्यालय नारायणपुर में जिला नारायणपुर कांकेर एवं कोंडागांव के नक्सल अभियान की समीक्षा किया गया। ज्ञात हो कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद एवं उप महानिरीक्षक आर एन दास आज नक्सल अभियान की समीक्षा हेतु जिला नारायणपुर के दौरे पर है, जहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर एवं तीनों जिलों में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लिया गया, जिसमें जिलों में चल रहे नक्सल अभियान की जानकारी एवं पिछले कुछ समय से क्षेत्र में हो रहे नक्सल गतिविधियों और घटनाओं के संबंध में चर्चा किया गया। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा एवं सावधानियां तथा नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में डीजीपी जुनेजा, एडीजीपी विवेकानंद, डीआईजी एसबीआई आर एन दास, डीआईजी बीएसएफ तेजेंद्र पॉल सिद्धू, डीआईजी आईडीबीपी युद्धवीर सिंह राणा, पुलिस अधीक्षक कांकेर सलभ सिन्हा, पुलिस अधीक्षक कोंडागांव दिव्यांग कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल जिला के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिले में लगातार निजी स्कूलें अपनी मनमानी से शिक्षा का व्यापार करते आ रहे हैं। इनकी मनमानी का असर पालकों को जेबों में पड़ रहा है। इन स्कूलों को संचालित करने वाले जिम्मेदार प्रबंधक इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं कि कोई पालक अपनी पेट काट कर एक वक्त की रोटी खाकर अपने बच्चों को इनके स्कूलों में दाखिला करवाता है। ऐसा ही एक मामला जगदलपुर शहर से लगे आड़ावल स्थित ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक शाला में देखने को मिला, जहां समय पर फीस नहीं दिए जाने पर बच्चों को वार्षिक परीक्षा देने से मना कर दिया गया। वहां मौजूद पालकों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस स्कूल की मनमानी हमेशा से चलती आ रही है। पिछले साल सालाना फीस 13,000 रही, वही एक साल के अंदर फीस को बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। साथ ही स्कूल आने में थोड़ी देर हो जाने से ₹50 अवैध शुल्क लिया जाता है। पालकों ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूलों में राष्ट्रगान लाउड स्पीकर में बजाया जाता है, वही बच्चों से जय हिंद एवं वंदे मातरम नहीं कहलवाता है। मेरा बच्ची क्लास 6B में पढ़ती है, तो मैं फीस लेके लाइन पे खड़ा था। खड़ा रहने के बावजूद मैं वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी थी, तो मैं बोला अपने बच्चों को बिठाऊँ, मैं फीस पे करके जाऊँगा। तो पिछले साल के अनुसार इस साल फीस बढ़ गया, उसके कारण कुछ पैसा मेरा कम पड़ गया। मैं बोला इनको बिठाऊँ, मैं ला के दे रहा हूँ, 5 मिनट की दूरी पर मेरा मकान है, वहाँ से मैं ला के फीस पे कर दे रहा हूँ। तो बच्ची को नहीं बिठाया गया, वो बच्चे रोती रही। फिर मैं जाके फीस पटाया, अभी 11:30 मेरी बच्ची को एग्जाम हॉल में बिठाया गया। 9 बजे शुरू हुआ था, तो 1.5 घंटा लेट हमारे बच्चे को बिठाया गया। तो हमारे बच्चे के साथ सरासर खिलवाड़ है। माँ बाप थोड़ा सा स्कूल का फीस, अभी कोविड के बाद से सभी को परेशानी आ रही है, तो थोड़ा बहुत फीस ऊपर नीचे हो रहा है। तो फीस पैसा लेकर के काउंटर में खड़े हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में जाने नहीं दिया जाए। इन लोगों का कहना है आप फीस पटा, उसके बाद बच्चा बैठेगा। स्कूल का एग्ज़ाम टाइम है 9 बजे, 10:30 बजे तक इसी फीस काउंटर में भीड़ लगा हुआ है। हम लोग प्रिंसिपल को बता, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आप बच्चे को भेज दीजिए, हम फीस पटा रहे हैं, तो भी इन लोगों का कोई वो नहीं है। आज इस स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल जानबूझ करके यहाँ से गायब हो गई हैं, है ना। और यहाँ पर बच्चे स्कूल में अगर यदि लेट होते हैं स्कूल टाइम पे, तो भी यहाँ पर ₹100 फाइन लिया जाता है। कभी बच्चा 5 मिनट आगे नीचे, कभी तबीयत खराब है बच्चे की या कुछ है, तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। वो आपकी जवाबदारी है, प्रिंसिपल का कहना है, अब वो आप जानो। बच्चा अगर टाइम पर नहीं आएगा तो ₹100 फाइन दोगे, तब स्कूल के अंदर एंटर करेगा, नहीं तो कई बार तो बच्चों को भगा दिया गया स्कूल से। आज भी एग्जामिनेशन हॉल से इन लोगों को भगा दिया गया और स्कूल से बाहर कर दिया गया था बच्चे। कई बच्चे तो रोते हुए अपने घर चले गए। डीओ ऑफिस से आज आने के बाद जो है थोड़ा सा चिल्लाया गया, तो स्कूल में एक सिस्टर हैं, उन्होंने फिर बात किया प्रिंसिपल से, तो अभी बच्चों को जो है अभी 11:30 बजे
स्कूल में हॉल में एग्ज़ाम देने भेजे हैं। मेरे बच्चे जो है पिछले 10 सालों से मेरे 3 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं तो ये कई बार सुन चुका हूँ कि इस स्कूल में संविधान का उल्लंघन किया जाता है, ना ही बच्चों को यहाँ राष्ट्रगान माइक में बजा दिया जाता है और बच्चों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, संविधान के नियमों के बारे में बताया नहीं जाता है, जिससे बच्चा जागरूक नहीं हो पा रहे, ना ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। और ये जो स्कूल का जो मनमानी है ये अभी से नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। हर साल का यही इनका रवैया रहता है, यही बर्ताव रहता है बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, पालकों के साथ। हर तिमाही, 6 माही और वार्षिक परीक्षा के दौरान यही कृत्य किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा मैं देखते आया हूँ, जो बच्चा भी स्कूल आने में लेट करता है, अवैध रूप से उनके द्वारा 50 रुपये की वसूली की जाती है। अगर ना देने पर वो रकम दुगनी हो जाती है। दूसरा, आज वार्षिक परीक्षा है बच्चों का, मेरे 3 बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर मैं अपने बच्चों को भेजूँ तो वो दूसरे बच्चे भी संक्रमित होते हैं। इस कारण से मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन देने आया था माननीय यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनको ये एप्लीकेशन देने आया था, पर यहाँ पर एप्लीकेशन तक रिसीव करने वाला कोई नहीं है, ना ही हमारा सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और ये इस साल से नहीं, हर साल से ये करते आ रहे हैं। मीडिया के द्वारा सूचना दिए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए खंड स्रोत समन्वयन वरुण मिश्रा को जांच हेतु मौके पर भेजा। मीडिया से बात करते हुए वरुण मिश्रा ने बताया कि वह जांच पर पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है उच्च अधिकारी ही करेंगे। वाइस प्रिंसिपल यहाँ मिल नहीं रही हमको, यहाँ इनके जो जिम्मेदार व्यक्ति हमको मिल नहीं रहे हैं। अब उनसे बात करके ही मैं जाऊँगा और पूरी रिपोर्ट जो है बना करके संयुक्त संचालक को सौंपूंगा। ही दी जा सकती है, शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि हमारे बच्चों को जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से जो है ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा यदि इस प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं। और जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम शासन को प्रस्तुत करेंगे। कार्यवाही करने का अधिकार हमारे माननीय उच्च अधिकारियों को है, मैं उनको अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपूंगा और जैसे भी होगा उचित कार्यवाही होगी उनके द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा। जगदलपुर के संजय मार्केट से चोरों ने फिर एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पार की। जगदलपुर के पथरागुड़ा निवासी डीके साहू का मोटरसाइकिल क्रमांक CG17 के H6491 को किसी अज्ञात के द्वारा संजय मार्केट सब्जी बाजार से उड़ा ले गया। मोटरसाइकिल के मालिक, जो कि एक सब्जी व्यापारी है, वह हर दिन की तरह संजय मार्केट में सब्जी बेचने को आया हुआ था। अपने काम को समाप्त करने के पश्चात जब वह अपनी मोटरसाइकिल के पास गया तो वह मोटरसाइकिल उस जगह से नदारद था। डीके साहू ने बताया कि मोटरसाइकिल पैशन प्रो नीले कलर की थी, जो कि उनके माता पिता ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। उसी मोटरसाइकिल से रोजाना संजय मार्केट आकर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब मोटरसाइकिल के नहीं होने से उन्हें व्यापार करने एवं अपने परिवार को पालने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डीके साहू के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल की गुम की सूचना सिटी कोतवाली जगदलपुर में दर्ज करा दी गई है और मोटरसाइकिल की छानबीन पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। जल्दी आने के कारण मेरा सब्जी जल्दी पहुंच गया था, उसी वजह से 7 बजे मार्केट पहुँच गया मैं जी। और अपना दुकान लगाते लगाते गाड़ी घर के दुकान सामने कर रहा थी मैं, लगभग 8:30 बजे था कि होटल के बाजू में ला के रखा था गाड़ी। हाँ, अपना दुकान शाम को बढ़ाने के बाद आके देखा तो मेरा गाड़ी जाया था। अच्छा, इससे पहले भी संजय मार्केट से गाड़ियां चोरी हुई है? जी चोरी तो हुई है सर, बहुत गाड़ी चोरी हुई है। ठीक है, साहब मोटरसाइकिल चोरी होने का सूचना जी गया था जी जी, घर से देखने आया। अच्छा, क्या बताया आपको? पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी हुआ। अच्छा, अभी इस पार्ट पे आए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोर्डनपाल 2 एवं छोटे आमाबाल ग्राम पंचायत के किसानों को रबी व खरीफ में एक फसल लेने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए 18 किलोमीटर लंबी फील्ड चैनल का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य की कुल लागत 4,95,52,000 रुपए है। अब तक लगभग 2.5 किलोमीटर का फील्ड चैनल बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। पहले कच्ची सिंचाई नाली होने के कारण कोसा टेढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से जोड़े जा रहे पानी को किसान के अंतिम खेत तक पहुंचाने में बहुत अधिक समय लगता था, साथ ही 40% पानी बर्बाद हो जाया करता था। मनरेगा से पक्की फील्ड चैनल का निर्माण होने से न सिर्फ कम समय में पानी आखिर के किसान तक पहुँचेगा, बल्कि पानी का बर्बादी कम होगा। खुद अपने खेतों में फील्ड चैनल का निर्माण करने हेतु छोटे आमाबाल के जॉब कार्ड धारी कृषक मनरेगा अंतर्गत श्रम कर रहे हैं।
जिससे उन्हें प्रतिदिन 204 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जॉब कार्डधारी किसान परिवार अपने खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का कार्य स्वयं अपनी मेहनत से कर मनरेगा से मजदूरी के रूप में राशि प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दिनों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश कुमार सर्वे द्वारा कार्य का अवलोकन किया गया। भ्रमण के दौरान जल संसाधन के कार्यपालन अभियंता के द्वारा कार्य की उपयोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बारिश के पहले फील्ड चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर जल्द ही किसानों को लाभ देने के संबंध में जिला सीईओ के द्वारा निर्देशित किया गया। आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के द्वारा ग्राम कोचवाही में 36वां महाअधिवेशन मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आदिशक्ति बूढ़ा देव की पूजा अर्चना अतिथियों के द्वारा किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ बेच लगाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिरुमाल एमडी ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिवासी ध्रुव गोंड समाज एवं अध्यक्ष धमदागढ़, तिरुमाल विष्णुदेव पटौदी, फिल्म निर्माता एवं साहित्यकार धमदा, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव ध्रुव समाज तिरुमाल नीलकंठ गड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष टाहकापाल तिरुमाल राजेंद्र ध्रुव 18 परिक्षेत्र से पधारे क्षेत्र के मुड़ादार उपस्थित थे। समाज के द्वारा शादी विवाह में समाज के द्वारा कपड़ा देना, कपड़ा बांटना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह मरनी कार्यक्रम में कफन कपड़ा डालने पूर्णतः रोक लगाई गई है। शादी में भी गिफ्ट देना प्रतिबंधित किया गया है। समाज में पैठू लाना भी मनाही है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जानकारी मिलती है तो उसे समाज से 12 वर्ष के लिए समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इस अवसर पर संभाग मुख्यालय बस्तर, सुकमा, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, मानपुर, मोहला आदि क्षेत्रों के जिला प्रमुख परिक्षेत्र मुड़ादारों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को सम्मेलन में प्रस्तुत किए। वही कार्यक्रम को सफल बनाने बड़ी संख्या में ध्रुव समाज के युवा युवती सहित समाज के भाई बहनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारे में बताना बहुत जरूरी है, काबर की जैसे जैसे हम आधुनिक युग में जाथन, हमार पुराना संस्कृति रीति रिवाज ओला नया जो जनरेशन है ओला भूलत जात है, और एकरे कारण समाज में और परिवार में विघटन आत है। छोटे छोटे बात में परिवार टूटत है, समाज टूटत है। एकर कारण यही है कि बस्तर जिले में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन युवोदय के प्रतिनिधि रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय युवा 20 पराशर्म कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के पहले दिन के विचार विमर्श में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की युवा संवाद में उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। यह कार्यक्रम छात्रों के बीच बहुत उत्साह के साथ शुरू हुआ। इससे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन कल सुबह रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर IIM रायपुर के निर्देशक डॉक्टर राम कुमार काकानी और अन्य सम्मानित अतिथि भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रेणुका सिंह जनजाति मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री उपस्थित थे। युवोदय के प्रतिनिधियों ने युवोदय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह संगठन गांव समुदाय और शासन प्रशासन के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। युवोदय के स्वयंसेवक अनीता नेता घनश्याम दीवान सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष बस्तर जिले में युवोदय द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, मासिक धर्म, पर्यावरण, संस्कृति, कला आदि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेल के माध्यम से युवोदय मड़ई आयोजित कर शासन की योजनाओं को लोगों तक जोड़ने का कार्य करता है। समाज में सकारात्मक बदलावों के लिए जिले में लगभग 7000 स्वयंसेवकों के प्रयासों की प्रशंसा की गई। मासिक धर्म स्वच्छता पे मैंने कार्य किया, जिसमें वहाँ के समूह में काम करते थे तो समूह में वहाँ के कई लोग क्या बता रही है और इग्नोर करके चले जाते थे। तब हमने वहाँ पे बहुत बार समझाया कि किशोरी बालिकाओं को पेट क्यों आवश्यकता होती है और उनकी गंभीर बीमारियों के बारे में उनको बताया, और वो वहाँ पे आए। अभी सभी लोग आते हैं, सब महिला पुरुष, माता बहन सब लोग आके समूह में चर्चा करते हैं, और खुद बहन और माता और अपने बेटी को स्वयं पेट लाकर देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त बैनर के तले चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज 37वां दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने पोस्टकार्ड के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनके नाम पोस्टकार्ड में पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कराया है।
23 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहिका संघ ने शासन का ध्यान आकर्षित कराने नित नए प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 23 जनवरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहिका संघ ने पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी बंद कर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 37 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मांगों पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। सूरजपुर बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी। 1 मार्च से शुरू होने वाले 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सूरजपुर जिले से 11वीं और 12वीं के परीक्षा में 21,175 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए पूरी तैयारी किया है। अलग अलग ग्रुप में 11 टीम बनाई गई है। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी इनमें निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की नकल ना हो, इसके लिए कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूरे परीक्षा के दौरान निगरानी की जाएगी और 11 उड़नदस्ता के द्वारा परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर किसी भी प्रकार की कोई मामला सामने आया है इसकी जाँच करेंगे। कुल 76 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के हाई हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, और इसमें 10वीं में 10,824, 12वीं में 10,351, कुल 21,175 बच्चे हमारे सम्मिलित हो रहे हैं, अभी तक दर्ज हैं। और नकल रोकने के लिए तो एक विस्तृत तैयारी की गई है कलेक्टर मैडम के निर्देश में। 9 टीम कलेक्टर मैडम के द्वारा बनाया गया है, 2 टीम मेरे द्वारा खुद का बनाया गया है मेरे ऑफिस से, कुल मिला के 11 टीम। और स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लॉक लेवल पर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है को स्थानीय टीम बना करके सतत निरीक्षण करेंगे परीक्षा का, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग न हो। सर कितने केंद्र बनाए गए? 76। गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है, जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में आना प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में आज आवारा कुत्तों ने मादा चीतल को नोचा। इलाज के दौरान चीतल की हुई मौत। वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर का पूरा मामला मादा चीतल की मौत से वन विभाग की लापरवाही हुई उजागर। गर्मी के मौसम में वन्य प्राणियों के पेयजल की व्यवस्था पर नहीं देता वन विभाग ध्यान। ग्राम कोसमखुटा के पास हुई घटना। पानी पीने के लिए चीतल पहुंची थी गांव के नजदीक। ग्रामीणों की सूचना पर आनन फानन में पहुंची वन विभाग की टीम। किया गया मृत मादा चीतल का अंतिम संस्कार। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।